सर, आज गीता को लाया गया है, क्या कुछ इसकी प्रोसेस होती है और इसके बदले में जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जू का, उसके बदले में किसको भेजा गया है? ये सेंट्रल जू अथॉरिटी का एक नियम है कि हम जो भी एनिमल्स प्राणी उद्यानों में लाएंगे वो किसी न किसी प्राणी उद्यान से ही लाएंगे और उसका एक एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाएंगे, जिसका कि अनुमोदन सेंट्रल जू अथॉरिटी करती है, सीजेडए करती है। तो उसी के तहत हम लोग जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो वो आपस में ब्रीड ना करें, इसके लिए मेल और फीमेल का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि ये जो दो बच्चे जय और विजय यहाँ पैदा हुए थे, अब इनकी मेटिंग के लिए विशाखा है जो इनकी माँ है, तो माँ और बेटे आपस में ब्रीड ना करें। इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि तमाम तरह की बीमारियों की खतरा रहता है और इनकी जेनेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसके लिए एनिमल एक्सचेंज किया जाता है कि बाहर से फ्रेश ब्लड इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे को मेटिंग कर सके और उनका जो है संतति उनके आगे बढ़ सके। इसी प्रोग्राम के तहत दिल्ली जू से टाइग्रेस आई है और यहाँ से हमारा विजय जो वाइट टाइगर है वो दिल्ली जू भेजा गया है। उसके जाने का कितना अफसोस है लोगों में और इसके आने की कितनी खुशी होगी, कुनबा भी आगे बढ़ेगा? अब ऐसा है कि अगर एक टाइग्रेस आई है तो उससे हमारी संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ी हैं, विजय वहाँ गया इससे वहाँ की संभावनाएँ बढ़ी हैं, तो दोनों जगह खुशी ही खुशी है, मायूसी की कोई बात नहीं। गत 3 वर्षों से तो मेरा आना जाना लगा रहता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है एक चिड़ियाघर में, अब जीव जंतुओं से आपको इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। सो जय विजय, पहले तो यहाँ पे दोनों जो मेल थे लगभग 3 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी सुनने में आप कुछ सोर्सेज से आया था कि यहाँ पे एक फीमेल बाघिन आई है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो हमारे पीछे भी शायद है यही गीता है, इसको दिल्ली से लाया गया है जहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हुई थी इसके अनुसार। और पीछे वाला जो मेल है, तो अभी जो चीज़ें पुरानी हम लोग देख रहे थे उनसे ये था कि यार उनसे एक लगाव था, बार बार आते थे हम लोग उन्हीं को देखने के लिए, लेकिन अभी होने वाला ये है कि हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ नए यहाँ पे बाघ के बच्चे देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंतर्गत। सो काफ़ी अच्छा रहेगा और नए नए जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग लखनऊ आते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा कुछ नया देखने के लिए, क्योंकि बीते समय में तो हम सभी ने वो चीज़ें देख ही रखी हैं जो पहले से यहाँ पर हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी देखा कुछ मगरमच्छ वगैरह के नए बच्चे भी लाए गए हैं। विजय जो था उसको दिल्ली भेज दिया गया, जो जू का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके तहत, उसकी जगह में ये गीता आई है, तो विजय के जाने का कितना अफसोस है? बिल्कुल, विजय के जाने का अफसोस है, कारण ये है कि पिछले 2 वर्षों से जो भी यहाँ पर आ रहा है वो जाहिर सी बात है नाम होते हैं, जैसे चिड़ियाघर में शेर हो गया, बाघ, इन्हीं सबको देखने के लिए लोग ज़्यादा खींचे आते हैं और वो एक आइडेंटिटी होते हैं उस जू की, तो उसी लिए अब तो ये कहेंगे वैसे सारे सिमिलर दिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन जिनको अक्सर पास से देखते रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, उनके जाने का दुख तो होता है, जाहिर सी बात है। जो यहाँ के फीडर्स होंगे या जो इनका पालन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त रहा होगा उन बाघों से दूरी बनाने का, कारण ये कि अभी तक अक्सर वो सबके सब एक रोज़ का एक दिनचर्या रहता है जिसमें वो भोजन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो ऐसे समय में मतलब देखने में काफ़ी दुख होता होगा उनको। गीता के आने की कितनी खुशी है? गीता के आने की बहुत खुशी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी मैं 2 साल यहाँ MBA और करूँगा, तो इस बीच में मैं चाहूँगा कि अगर इनका कुछ भी नया प्रोडक्शन होता है या नया बच्चे जो भी आते हैं उनको फॉर श्योर हम लोग देखना चाहेंगे। और आशा करता हूँ लखनऊवासी जो अभी नहीं आए वो एक बार यहाँ इस चिड़ियाघर में आकर एक बार गीता को देखेंगे और आशा करेंगे कि भाई जल्दी ही हमें सफ़ेद बाघ के एक कुछ नए नवजात बच्चे देखने को मिले। यहाँ गीता आई है और जय विजय थे पिछले 3-4 साल से, विजय के जाने का कितना अफसोस है कल उसको दिल्ली भेजा गया है? अफसोस तो होगा ही, क्योंकि अब जिसको रोज़ देख रहे हैं, जिसको मीन्स जितनी भी बार आते हैं उसको ही देखते हैं, अब वो ना रहे तो एक बार थोड़ा सा होता है, बट हाँ कोई नया आया उसको देखने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है, तो उसी बात का खुशी और उस बात का गम भी है। आर्यन का ये कुनबा था, अब गीता आ गई तो लग रहा खुशी है कि गीता के आने से कुनबा? जी हाँ, खुशी तो बहुत होगी क्योंकि अब नया चीज़ देखने मिलेगा, जो चीज़ पुराना देख रहे थे अब कुछ नया देखने मिलेगा, तो खुशी तो इस बात की होगी, अब बाकी सभी को भी खुशी होनी चाहिए और एक बार आके जरूर देखना चाहिए। कुनबा भी आगे बढ़ेगा कब? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसी से तो हमारा ग्रोथ भी, वैसे भी टाइगर्स की कमी है, इसी बहाने थोड़े टाइगर्स भी बढ़ेंगे, भले चाहे जो भी हो वाइट टाइगर्स बढ़ेंगे तो और खुशी की बात है।